नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 के पास जंगल में एक नवजात बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर जंगल में फेंका गया था। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की छानबीन की जाएगी। बड़ अमावस्या व्रत के अवसर पर आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आस्था पथ स्थित वट वृक्ष के नीचे पत्नी के संग पूजा अर्चना की और सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती की शुभकामनाएं दी। गंगा में स्नान कर वट की पूजा की, साथ ही पूजा अर्चना के पश्चात अग्रवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में तीज त्योहारों का बड़ा महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है और इस दिन सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। संस्कृति में तीज त्योहार का अपने आप बहुत महत्व है और ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ भारत में हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है और आज जिस प्रकार से वट अमावस्या का त्यौहार है, इसकी अपने आप में एक महत्ता है। देर रात अज्ञात बदमाशों ने रुड़की के एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें, घटनास्थल पर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पहुंचकर मौके का मुआयना किया और बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी करते हुए चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। उधर मृतक अधिवक्ता को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया। वहीं इस बाबत SP देहात का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बदमाशों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा निरस्त होने का शासन आदेश जारी नहीं होने से सर्वदलीय संघर्ष समिति के सदस्य गुस्से में हैं। समिति से जुड़े सैकड़ों लोगों ने टोल प्लाजा के निरस्त होने की करी गई विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा को कोरा बताया है। मामले में जवाब मांगने के लिए समिति के लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय का घेराव करने के लिए कूच किया। इस दौरान पुलिस ने IDPL फैक्ट्री के पास ही बैरिगेटिंग कर लोगों को विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय जाने से रोक दिया। रोके जाने पर समिति के सदस्य भड़क गए। उन्होंने सड़क पर ही बैठकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। साथ ही आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टोल प्लाजा को लेकर के इन लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष महोदय के कैंप कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम रखा था, यहाँ तक आ गए थे, इनको यहाँ से हमने रोक दिया। अब इसके आगे हम नहीं जाने देंगे। ये पुलिस यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है, अगर उसके बाद भी ये कुछ कोशिश करते तो सारी लीगल एक्शन इनके खिलाफ हम लेंगे। लक्सर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल लक्सर पुलिस ने गौवंश के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ गौवंश हत्या अधिनियम में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। साथ ही कोतवाली लक्सर में कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि बीती देर रात मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि इस्माइलपुर के चौराहे के पास तीन लोग नील गाय की हत्या करके गौवंश ले जा रहे थे। मामला जंगली नील गाय से जुड़ा होने की वजह से मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। वन रेंजर और वन दरोगा भी मौके पर पहुंचे और उन्हें पकड़ लिया गया। हमारी गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर सुल्तानपुर पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को जो वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम के तहत नील गाय को के मांस के परिवहन करते हुए दो व्यक्तियों को पकड़ा, एक जाहिद सनौफ सदीक तथा दूसरा है नजारत सनौफ लियात। इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। ग्राम औरंगाबाद में योग ग्राम के पास यात्री शेड निर्माण और मुख्य सड़क से योग ग्राम की ओर जिला पंचायत हरिद्वार द्वारा विभिन्न मदों से निर्मित मार्ग का लोकार्पण अरविंद पांडे मंत्री पंचायती राज शिक्षा खेल और युवा कल्याण उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव महाराज ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मंत्री अरविंद पांडे का भव्य स्वागत किया, जिसके पश्चात बाबा रामदेव और मंत्री अरविंद पांडे द्वारा सामूहिक रूप से नवनिर्मित मार्ग का और यात्री शेड विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ नारियल फोड़कर लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान, खानपुर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन सहित कई अन्य राजनीतिक नेता भी मौजूद रहे। हम होते हैं वो जनहित के लिए किए जाते हैं और योग ग्राम जिसका हिंदुस्तान नहीं विश्व के अंदर जिसका नाम है
और विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ अपने इलाज के लिए आएँ, बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए आएँ, और वहाँ की सड़कें टूटी फूटी ना हो, इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की छवि भी खराब होती है। तो हम लोगों के संज्ञान में आया, और बाबा जी ने तो सड़क के लिए कहा भी नहीं था, इन्होंने तो कभी भी नहीं कहा। हम एक दो बार आए, हमको लगा कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ की उत्तराखंड की छवि अच्छी लेके जाएँ। इस निमित्त हमने जिला पंचायत को निर्देशित किया और हमारे डिपार्टमेंट ने सड़क को बनाया। मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद दूंगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।